जेई मेन 2020 में 7 जनवरी का एक क्वेश्चन है, जीओसी वाले चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है कि द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और मीथेन, इनमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। पहला ऑप्शन है CH4 इक्वल टू CCl4 लेस देन CHCl3, दूसरा ऑप्शन है CH4 लेस देन CCl4 लेस देन CHCl3, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड लेस देन मीथेन लेस देन क्लोरोफॉर्म, आखिरी ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म लेस देन मीथेन इक्वल टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। जरा देखते हैं, ये सारे जो है sp3 कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन पहले मीथेन का देख लेते हैं, मीथेन के पर अगर ये H और ये H ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ये H और ये H ऐसे जाएगा, यानी कि मीथेन के केस में, यानी कि मीथेन के केस में इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन इस साइड में है वो तो बाहर निकले हुए बाहर की ओर, और जो हाइड्रोजन ऐसे कर देता हूँ ऐसे, आप समझ रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। इसमें इन दो हाइड्रोजनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों हाइड्रोजनों के रिजल्टेंट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका म्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली इन केस ऑफ CCl4 ऑल्सो, इन केस ऑफ CCl4 ऑल्सो, ऐसे अगर कर दूँ Cl इधर और Cl इधर, इसको भी ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है, जब एक कार्बन के ऊपर दो क्लोरो तो बाहर की ओर निकले हों 109 डिग्री के एंगल पर और दो क्लोरो पीछे जा रहे हों 109 डिग्री के एंगल पर, तो इसका म्यू भी 0 हो जाएगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा। लेकिन CHCl3 का क्या होगा, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ ले लें Cl, यहाँ ले लें H, ठीक है, और यहाँ एक Cl ले लें, यहाँ एक Cl ले लें, CHCl3 है, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। इनकी पोजीशनों को आपस में एक्सचेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 109 डिग्री पर इक्वल पोजीशंस पर लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इस पर देखें तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक Cl लिया है, दूसरा Cl यहाँ पर लिया है, तीसरा Cl यहाँ पर है और यहाँ पर H, आप देख रहे हैं ये Cl और इन दोनों Cl का 109 डिग्री के ऊपर का जो रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा, इसका म्यू हो जाएगा नॉन 0। तो बताएं इनमें सबसे ज़्यादा म्यू किसका है, क्लोरोफॉर्म का, और मीथेन और CCl4 का बराबर है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नोट करें इसको।